Hello students, in this video we are going to discuss about a very important and interesting topic, that is Born-Haber cycle. Born-Haber cycle given by two different scientists collectively, Born and Haber. What is this Born-Haber cycle? It is simply a stepwise description of a reaction taking into account the energy changes occurring during each of the steps. कि हमारे पास कोई reaction है, उस reaction को single step की बजाय हम multi step में लिखेंगे, ये देखेंगे कि वो कौन कौन से steps को follow करके वो overall reaction हो रही है, और हर step में जो energy change कर रही है, energy release हो रही है, या energy वो reaction को हम provide कर रहे हैं, उस चीज़ को साथ में मेंशन करेंगे, और फिर जो ये डिस्क्रिप्शन होगी सारी की सारी, उसको हम Born-Haber साइकिल बोलेंगे. इन डिटेल हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे. तो Born-Haber साइकिल डिस्कस करने से पहले, डिफरेंट रिएक्शंस के लिए Born-Haber साइकिल ड्रॉ करने से पहले, हम दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक इसमें यूज़ होने वाली हैं, हम उसको पढ़ेंगे. जैसे फर्स्टली वी मस्ट बी नोइंग अबाउट वॉट इज लैटिस एंथैल्पी. लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी भी बोल देते हैं इसको. व्हाट इज लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी? तो बेटा मान लो हमने कोई आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है, और आयनिक कंपाउंड मान लो हमारे पास है NaCl. जस्ट अज्यूम, तो NaCl इज फॉर्म्ड फ्रॉम वन Na पॉजिटिव आयन एंड वन Cl नेगेटिव आयन. The Na positive in gaseous state, Cl negative in gaseous state, and NaCl is formed as a solid. When one mole of cation combines with one mole of anion to form one mole of ionic compound. More specifically, if we don't talk about number of moles of cations and anions, if we simply say that when one mole of an ionic compound is formed from its constituent ions in isolated gaseous form, the amount of energy released during this process is called lattice energy. कि जब हमने one mole of ionic compound prepare करना हो, तो उसको हम उसके constituent ions से बना रहे हैं, cation and anion जितने लगने हैं लग जाएं. जैसे NaCl के लिए वन मोल ऑफ Na पॉजिटिव वन मोल ऑफ Cl नेगेटिव, दे बोथ आर कंबाइनिंग, और वन मोल ऑफ NaCl इज फॉर्म्ड, बोथ आर टेकन इन गैशियस स्टेट, और इस प्रोसेस में जो डेल्टा एच होगा एनर्जी चेंज, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, उसको हम लैटिस एनर्जी बोलेंगे. जैसे एक ये एग्जाम्पल होगी, एक मान लो हमने वी वॉन्ट टू प्रिपेयर CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड हमने प्रिपेयर करना है, तो वो कैसे बनेगा? Ca2 पॉजिटिव एंड 2F नेगेटिव. तो इसमें क्या, कैटायन का वन मोल लग रहा है और एनायन के टू मोल लग रहे हैं, जिसके साथ वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बन रहा है. तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से आयन्स नहीं हम इसमें बात करेंगे, हम बात करेंगे वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड तैयार करना हमने, उसके लिए जितने मोल लगने आयन के लग जाए. We want to prepare one mole of ionic compound from its constituent ions in gaseous state. The energy change occurring is called lattice energy, and this energy is actually the energy released. This much amount of energy is released, that's called lattice energy. इसकी एक और definition होती है. वो definition क्या होती है? अच्छा, इस process में अगर मैं बात करूं तो lattice energy जो है वो negative है. That is negative. Why it is negative? Because it is the energy released. अगर मैं इसकी दूसरी definition की बात करूं, lattice energy की दूसरी definition क्या होती है? One mole of an ionic compound is to be broken into its constituent ions in gaseous state. One mole of an ionic compound is broken into its constituent ions in gaseous state. The amount of energy changed, the amount of energy absorbed is called lattice energy. इस केस में lattice energy positive होएगी,
ऑब्वियसली बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, ताकि वो अपने आयन्स में टूट जाए, उसके आयन्स गैशियस स्टेट में आ जाएं, उसको हम लैटिस एनर्जी बोलेंगे। इस प्रोसेस के लिए लैटिस एनर्जी पॉजिटिव बिकॉज हमने प्रोवाइड करी है। ऊपर वाले प्रोसेसेस के लिए लैटिस एनर्जी नेगेटिव बिकॉज दैट इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन आयनिक बॉन्ड इज टू बी ब्रोकन, एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड। उस हिसाब से लैटिस एनर्जी का साइन आएगा। साइन जस्ट टेल्स अस अबाउट वेदर द एनर्जी इज सप्लाइड और इट इज रिलीज्ड। अदरवाइज मैग्नीट्यूड इन बोथ द केसेज विल बी सेम, इन दिस केस एंड इन दिस केस। इन बोथ द केसेज मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी विल बी एग्जैक्टली सेम। तो ये लैटिस एनर्जी की दो डेफिनेशंस हो गई। इसके अलावा लैटिस एनर्जी के बारे में हम क्या बात करते हैं कि लैटिस एनर्जी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। फर्स्ट होता है साइज ऑफ द आयंस, वेरी सिंपल, स्मॉलर आर द आयंस स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड बिटवीन देम, मोर लैटिस एनर्जी विल बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड कॉरेस्पॉन्डिंगली, कि हमने उस बॉन्ड को ब्रेक करना है या वो बॉन्ड बन रहा है। स्मॉलर इज द साइज ऑफ आयंस, ग्रेटर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन आयंस, मोर विल बी द लैटिस एनर्जी। और दूसरा होता है चार्ज अपॉन आयंस, सेम चीज कि आयंस के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होएगा आयंस में बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होएगा और लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इन दो फैक्टर्स के ऊपर जो लैटिस एनर्जी है हमारी वो डिपेंड करेगी। उसके बाद एक तो हमने बात करी लैटिस एनर्जी की, एक हम बात करेंगे हेस लॉ की। लोअर क्लासेस में हम इसको पढ़ते हैं। हेस लॉ हमें क्या कहता है कि कोई रिएक्शन है हमारे पास, वी हैव सम रिएक्शन एंड इट इज टेकिंग इन अ सिंगल स्टेप, मान लो ए से बी, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंजेस आई मान लो वो डेल्टा एच है। यही रिएक्शन मान लो मल्टी स्टेप्स में हुई, ए से सी बना, सी से फिर डी बना, डी से फिर बी बना। यहां पे हमने 3 स्टेप्स लिखे, मान लो इसमें एनर्जी चेंज हुई डेल्टा एच वन, इसमें एनर्जी चेंज आई डेल्टा एच टू और इसमें डेल्टा एच थ्री। तो हेस लॉ स्टेट्स दैट द एनर्जी चेंजेस रिमेन सेम वेदर द रिएक्शन अकर्स इन अ सिंगल स्टेप और इन अ मल्टी स्टेप। मीन्स टू से डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री, बिकॉज एंथैल्पी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता। तो चाहे ए से बी जाना है हमने सिंगल स्टेप में चले जाओ, चाहे 3 स्टेप्स में चले जाओ, एनर्जी चेंज विल बी सेम, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। क्योंकि 3 स्टेप्स में गए, पहले इतनी एनर्जी लगी, फिर इतनी यूज हुई, फिर इतनी यूज हुई, या इतनी एमिट हुई, इतनी एमिट हुई, इतनी एमिट हुई, तीनों को ऐड कर दो वो डेल्टा एच के बराबर आएगी। बिकॉज एंथैल्पी चेंज इज स्टेट फंक्शन, वो ए और बी की एंथैल्पी पे डिपेंड करेगी, वो ये नहीं देखेगी कि ए से बी जाते टाइम हमने पाथ कौन सा फॉलो करा। ये हेस लॉ होता है, इसको भी हम बॉर्न हेबर साइकिल में यूज करेंगे। तो ये दो चीजें मेन यूज होती हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, थोड़ी वैसे तो काफी तरह की एनर्जीज बॉर्न हेबर साइकिल में यूज होंगी, लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसको समझने में यूजुअली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, बाकी जितनी भी एंथैल्पीज यूज होंगी वो आपको मैं साथ साथ में बताया जाऊंगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का बेटा मतलब होता है कि व्हेन यू आर टू मेक सम कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स, कि हमने किसी कंपाउंड को तैयार करना है, मान लो कि मैंने NaCl को तैयार करना। अब NaCl को तो मैं ऐसे भी तैयार कर सकता हूं, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, आई कैन प्रिपेयर NaCl बाय कंबाइनिंग Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। बट ये जो प्रोसेस मैंने ऊपर लिखा हुआ, इसमें जो एंथैल्पी चेंज आई वो लैटिस एंथैल्पी है, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगी।
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है कि जो रिएक्शन है उसमें कोई कंपाउंड बन रहा है, वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स। वो अपने एलिमेंट्स से बने, जैसे यहां पर NaCl अपने आयंस से बन रहा है। सोडियम डज नॉट एग्जिस्ट एज Na पॉजिटिव। सोडियम कैसे एग्जिस्ट करता है? वो सोडियम सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और Cl कैसे एग्जिस्ट करता है? वो Cl2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दिस रिएक्शन, अभी आप ध्यान से देखो कि NaCl को मैं बना रहा हूं सोडियम और Cl2 से, क्योंकि इसमें एक सोडियम लगा, एक क्लोरीन। सोडियम की मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होती है? सोडियम सॉलिड। सोडियम Na पॉजिटिव की फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो मेटेलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है Na सॉलिड। और इसमें लगा है क्लोरीन। क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करती है? क्लोरीन गैस की फॉर्म में। इसका हाफ मोल लगेगा। दिस रिएक्शन इज फॉर्मेशन रिएक्शन बिकॉज NaCl इज बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स। हियर NaCl इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस नॉट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स। क्लोरीन Cl नेगेटिव फॉर्म में थोड़ी एग्जिस्ट करता है। Cl नेगेटिव तो हमें बनाना पड़ता है, Na पॉजिटिव हमें पहले बनाना पड़ता है, फिर हम दोनों को कंबाइन करवाएंगे। इनको बनाना नहीं पड़ता। सोडियम सॉलिड ऐसे ही नेचर में एग्जिस्ट करता और Cl2 गैस ऐसे एग्जिस्ट करती है, जो उनकी प्योर और उनकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है। इन दिस केस डेल्टा एच इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। जैसे कि मान लो हमारे पास है, हमने तैयार करना है लिथियम ऑक्साइड Li2O। Li2O कैसे बनेगा अगर हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की? इसमें लिथियम है और ऑक्सीजन है। लिथियम की मोस्ट स्टेबल स्टेट इज लिथियम सॉलिड, सिंपली लिथियम मेटल। और ऑक्सीजन की मोस्ट स्टेबल स्टेट है O2 गैस। तो इसका हाफ मोल लगा और इसके 2 मोल लगे और हमारे पास क्या बना? 1 मोल ऑफ Li2O। दिस डेल्टा एच विल बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का नाम देंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से अगर Li2O को वैसे हो, अगर आप इफ यू वांट टू मेक Li2O तो आयन से भी बन सकता है। 2 Li पॉजिटिव ले लो, 1 O2 नेगेटिव ले लो और दोनों को कंबाइन करवा दो, लेकिन वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगी, वो तो लैटिस एनर्जी बन जाएगी। हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। चलो अब बेटा हम बात करेंगे बॉर्न हेबर साइकिल पर। वापस आते हैं, बॉर्न हेबर साइकिल कैसे ड्रॉ करते हैं? हम एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ NaCl। बॉर्न हेबर साइकिल ऑफ NaCl। बॉर्न हेबर साइकिल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिखना होता है कि जो आयनिक कंपाउंड की हम जिस आयनिक कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं उसका हमने फॉर्मेशन रिएक्शन लिखनी होती है उसकी। तो ये है सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन रिएक्शन और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग जो एंथैल्पी चेंज हो रही है इट इज एक्चुअली डेल्टा एफ एच। डेल्टा एफ एच मीन्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो NaCl के लिए हमने कौन से रिएक्टेंट लेने हैं? सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। लेकिन ये एज सच दोनों एक दूसरे से कंबाइन करके NaCl थोड़ी दे देंगे। दिस रिएक्शन इज नॉट सिंगल स्टेप रिएक्शन, दिस इज मल्टी स्टेप रिएक्शन। इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व आर, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ सोडियम सॉलिड इनटू सोडियम गैस। सबसे पहले सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट करेंगे और इस प्रोसेस में
जो एंथैल्पी चेंज हुई डेल्टा एच, इट इज एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ सबलाइनेशन। एस लिखते हैं हम उसको। व्हाट इज एस? मैं लिख नहीं रहा, आप सुन लो ध्यान से, अपने नोट्स पर साथ साथ में लिखी जाइयो। एस इज एंथैल्पी ऑफ सबलाइमेशन एंड इट विल बी हैविंग पॉजिटिव साइन। मीन्स दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, एस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी सप्लाइड टू सोडियम सॉलिड सो दैट इट इज कन्वर्टेड इन टू सोडियम गैस। एंथैल्पी ऑफ सबलाइमेशन, एंथैल्पी ऑफ सबलाइमेशन इज द एनर्जी प्रोवाइडेड टू अ सॉलिड टू कन्वर्ट इट इन टू अ गैस। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सबलाइमेशन। वॉट इज नेक्स्ट स्टेप? कि अब ये जो सोडियम गैस बन गया, जो एटम गैशियस स्टेट में आ गया, इसकी आयोनाइजेशन करवाओ और इसको कैटायन में कन्वर्ट करो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज आई, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये तो हमने लोअर क्लासेस से पढ़ा हुआ। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू आइसोलेटेड गैशियस एटम टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट एंड टू कन्वर्ट इट इनटू गैशियस कैटायन। एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव। साइंस को ध्यान से पढ़े हो, ये भी पॉजिटिव होएगा। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास? थर्ड स्टेप इज, अभी सोडियम की बात खत्म, क्योंकि Na पॉजिटिव आ चुका हमारे पास। NaCl में, NaCl ने असल में बनना कैसे है? Na पॉजिटिव गैस प्लस Cl नेगेटिव गैस, ऐसे। Na पॉजिटिव गैस आ गया, सीएल नेगेटिव गैस जो है वो तैयार करें हम। जो क्लोरीन है हमारे पास, Cl2 गैस, हमें चाहिए सीएल नेगेटिव का एक आयन चाहिए। इसमें दो क्लोरीन है, पहले दोनों को अलग अलग करेंगे। वी विल गेट टू क्लोरीन गैशियस एटम्स। और इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच आएगा उसको हम बोलेंगे, डी लिखेंगे उसको, डी फॉर डिसोसिएशन एनर्जी। द एनर्जी प्रोवाइडेड टू अ मॉलिक्यूल टू डिसोसिएट इनटू गैशियस एटम्स। वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसोसिएटेड इनटू इट्स गैशियस एटम्स बाय प्रोवाइडिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि ये एनर्जी हमने वन मोल ऑफ क्लोरीन को प्रोवाइड करी। ठीक है, अभी इसी में एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। यहां से हमारे पास दो क्लोरीन एटम्स आए, लेकिन और एनर्जी लगी डी के बराबर, हमें तो एक ही चाहिए, तो हम डबल, हम डी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों प्रोवाइड करेंगे? वी वॉन्ट ओनली वन सी एल, वी वॉन्ट ओनली वन सी एल एटम एंड वी हैव गॉट टू। एनर्जी प्रोवाइड इज डी, बिकॉज डी हमने वन मोल ऑफ सब्सटेंस को तोड़ने के लिए एनर्जी जो होती है वो डिसोसिएशन एनर्जी होती है। तो हम इस रिएक्शन को अगर ऐसे लिख दें, हाफ सी एल टू गैस गिविंग वन एटम ऑफ सी एल गैस, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डी बाई टू। हम डी बाई टू अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हम क्यों एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दें जब हमें इतना, इतने क्लोरीन एटम चाहिए ही नहीं, हमें तो एक चाहिए। उसके हिसाब से हम जितनी दो के लिए लगी है उससे हाफ प्रोवाइड कर देंगे, हमारे पास एक आ जाएगा। तो डेल्टा एच इज डी बाई टू। नेक्स्ट स्टेप इज, ये जो हमारे पास गैशियस क्लोरीन एटम आया, इसको कन्वर्ट करो क्लोरीन आयन में बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके इसका एनायन तैयार कर लिया हमने, और इसमें जो एनर्जी लगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ई ए। इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और समटाइम्स इट मे ऑल्सो बी नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा ई जी एच, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हम इसको बोल देते हैं। कि इलेक्ट्रॉन गेन करा किसी गैशियस एटम ने तो कितनी एनर्जी चेंज हुई। दिस मे बी हैविंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइन, इसका कोई भी साइन हो सकता है, बट यूजुअली अगर हम क्लोरीन की बात करें इट विल बी हैविंग नेगेटिव साइन। नेगेटिव मीन्स एनर्जी विल बी रिलीज्ड, वैसे अदरवाइज इन सम केसेस इट मे बी पॉजिटिव। कुछ केसेस में ये पॉजिटिव भी हो सकती है, वो आपको जब इसमें से न्यूमेरिकल आएगा तो
वो आपको साथ साथ में इसका साइन बता देंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। और लास्ट स्टेप है कॉम्बिनेशन ऑफ एन ए पॉजिटिव गैस एंड सी एल नेगेटिव गैस टू गेट एन ए सी एल सॉलिड एंड डेल्टा एच इज कॉल्ड यू। यू इज लैटिस एनर्जी एंड इट इज ऑल्सो नेगेटिव। तो ये एक रिएक्शन इन पांच स्टेप्स को मिला के हुई, आप पांचों को ऐड कर लो, यू ऐड ऑल द फाइव, यू विल अल्टीमेटली गेट दिस रिएक्शन। आपके पास यही रिएक्शन आएगी, आप इन पांचों को ऐड करके देख लो, बिकॉज जो मैकेनिज्म के स्टेप्स होते हैं आप उनको अगर ऐड कर दोगे तो आपके पास फाइनल रिएक्शन ही आती है। तो वन फॉर्मेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ NaCl फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स, दैट रिएक्शन इज एक्चुअली अ फाइव स्टेप रिएक्शन। और पांच के पांच स्टेप्स में हमने एनर्जी कंसिडरेशंस की बात करी है। नाउ अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, हेस लॉ क्या कहता है हमें कि चाहे आप रिएक्शन एक स्टेप में करवा लो चाहे मल्टी स्टेप में, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज विल रिमेन सेम। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ डेल्टा एफ एच इज इक्वल टू, डेल्टा एफ एच इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये एक रिएक्शन इसमें एनर्जी चेंज हुई डेल्टा एफ एच, यही रिएक्शन पांच स्टेप्स में हो रही है, इन सबको ऐड कर दो, एस प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। जो इनकी वैल्यूज हैं उनके साइन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो बस वैल्यूज साइन के साथ यहां पे पुट कर देनी है हमने, यहां पर हमने प्लस ही लिखना है विद साइन, वो वैल्यूज हम यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास जैसा भी न्यूमेरिकल होगा वो उस हिसाब से हम चलेंगे आगे। नाउ हाउ टू ड्रॉ बॉर्नहेबर साइकिल, दिस इज द डिस्क्रिप्शन। बॉर्नहेबर साइकिल को हम ऐसे नहीं ड्रॉ करते, ये ऐसे 1 2 3 4 5 करके नहीं, हमने एक अलग तरीके से बॉर्नहेबर साइकिल ड्रॉ करना होता है। वो कैसे ड्रॉ करना होता है ध्यान से समझियो, इन्हीं चीजों को लेके कि हमारे पास रिएक्शन है, वी हैव रिएक्शन एन ए सॉलिड प्लस हाफ सी एल टू गैस गिविंग एन ए सी एल सॉलिड। इस स्टेप का जो डेल्टा एच है वो है एक्चुअली डेल्टा एफ एच। इन सारे स्टेप्स को डिस्क्राइब कैसे करना, देखो जैसे मैंने आपको उसमें बताया था ना हेस लॉ में, सेम उसी तरह से लिखना है उसको। देखो ए से बी गए और साथ साथ में अभी स्टेप्स को अलग से करके दिखाया तो अल्टीमेटली बी पर पहुंचना है, तो वो स्टेप्स क्या, देखो सोडियम सॉलिड को हमने पहले किस में कन्वर्ट करा, सोडियम गैस में, और एनर्जी वॉज एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन एस लिख दिया यहां पर, ठीक है। फिर हमने सोडियम गैस को किसमें कन्वर्ट करा, सोडियम आयन में, गैशियस कैटायन में, आयोनाइजेशन एनर्जी आईई, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में हाफ सीएल टू को सीएल गैशियस एटम में कन्वर्ट करा और एनर्जी डी बाय टू, बिकॉज डी इज फॉर वन मोल ऑफ सी एल टू, फॉर हाफ मोल डी बाई टू। देन हमने इसको कन्वर्ट करा एनायन में, गैशियस एनायन में, एनर्जी वॉज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और बाद में क्या करा हमने इन दोनों को कंबाइन करवा दिया, ऐसे लिखेंगे कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली किधर को जाएगा, अल्टीमेटली इट विल रीच हेयर, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगी दैट इज यू, उसको हमने यू लिखा। दिस इज एक्चुअली द बॉर्नहेबर साइकिल, अ स्मॉल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज रिएक्शंस। ये भी मैंने सिर्फ रिएक्शंस लिखी हैं, साथ साथ में थ्योरी भी लिखनी होती है। जो जो मैं बोलता जा रहा था वो एक्चुअली थ्योरी का पार्ट है, वो रिएक्शन के साथ साथ में वर्डिंग बना के लिखनी होती है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने वर्डिंग को नहीं लिखा। अल्टीमेटली बॉर्नहेबर साइकिल को ऐसे ड्रॉ कर, दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन
स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ वन रिएक्शन विद द एनर्जी कंसिडरेशंस इज कॉल्ड बॉर्न-हेपर साइकिल। ये NaCl के लिए हमने ड्रॉ करा। ऐसे हम किसी भी कंपाउंड के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आपको न्यूमेरिकल कैसे आएगा, मैं न्यूमेरिकल अभी आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा। न्यूमेरिकल में क्या होगा, आपने बॉर्न-हेपर साइकिल तो ड्रॉ करना ही करना है। हमारे पास देखो क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारे पास 6 चीजें हैं। वी हैव 6 थिंग्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको 6 में से कोई 5 चीजें गिवन होगी और बोलेंगे कि एक निकाल के दिखाओ। यूजुअली क्या होता है, या तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने को बोला जाता है और या लैटिस एंथैल्पी। क्योंकि बॉर्न-हेपर साइकिल जो हम ड्रॉ करते हैं ये इन दोनों चीजों के लिए ही ड्रॉ किया जाता है बेसिकली, या तो लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए या एंथैल्पी ऑफ। ये दो एप्लीकेशंस है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ बॉर्न-हेपर साइकिल, दैट बाय मेकिंग यूज ऑफ बॉर्न-हेपर साइकिल वी कैन कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड और द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड। इसके अलावा भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये कुछ भी 6 में से 5 देके जो 6th बचती टर्म है उसकी वैल्यू निकालने को कहा जा सकता है। यूजुअली तो ऐसे होता है कि या इसकी वैल्यू निकालने को बोलते हैं या लैटिस एनर्जी की वैल्यू निकालने को बोलते हैं। बॉर्न-हेपर साइकिल असल में इन दोनों की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए ही इन्वेंट हुआ था, ये बनाया गया था। नाउ लेट अस ड्रॉ अनदर बॉर्न-हेपर साइकिल। बॉर्न-हेपर साइकिल फॉर MgF2, मैग्नीशियम फ्लोराइड के लिए ड्रॉ करते हैं हम। अब मैं ऐसे ये स्टेप्स नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली ड्रॉ करूंगा। मैग्नीशियम सॉलिड प्लस फ्लोरीन F2 गैस गिविंग MgF2 सॉलिड। फॉर दिस प्रोसेस द एंथैल्पी चेंजेस डेल्टा FH, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद अभी आप देख लो सेम वैसे चलते हैं, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम गैस, मैग्नीशियम सॉलिड से मैग्नीशियम गैस, एंथैल्पी ऑफ सब्लाइमेशन S विल बी यूज्ड। उसके बाद मैग्नीशियम गैस से गैशियस केटायन Mg2 पॉजिटिव, आयोनाइजेशन एनर्जी IE2 लिख रहा हूं मैं यहां पे, ध्यान से IE2, 2 मींस सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं ना हमने, तो IE1 प्लस IE2, IE2 में दोनों ही आ जाते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज IE2, सिंपल। ठीक है, इसको हम सिंपली आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। सिर्फ मैं आपको इलेबोरेशन के लिए बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल में कई बार तो डायरेक्टली बोल देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, कई बार बोल देते हैं सम ऑफ फर्स्ट टू आयोनाइजेशन एनर्जीज, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। IE2 हेयर मींस फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स सिंपली। उसके बाद F2 वी विल गेट 2F-, 2 एनायन आएंगे और एनर्जी यूज्ड इज डी हेयर, नॉट डी बाय 2, बिकॉज हमें दो ही चाहिए। MgF2 में हमें 2 फ्लोरीन आयंस चाहिए, 2F- वी रिक्वायर, सो वी विल गेट, सॉरी यहां पे अभी नेगेटिव नहीं आएगा, ये तो सिंपली एटम्स में डिसोसिएट हुआ, 2F-, तो पहले 2 F एटम्स आएंगे। और डिसोसिएशन एनर्जी होती है 1 मोल ऑफ कंपाउंड को तोड़ने के लिए, तो इसका तो हम 1 मोल पूरा का पूरा तोड़ेंगे। फिर उसके बाद 2F- गैशियस। अभी यहां पर ध्यान दियो कि हमें 2 फ्लोरीन एटम्स से 2 अलग अलग एटम्स आएंगे, 2 एनायंस तैयार किए, तो जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो डबल यूज होगी। एक इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी वाली एनर्जी लगेगी एक एटम को एनायन में कन्वर्ट करने के लिए और दूसरी लगेगी दूसरे एटम को एनायन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ये चीजें आप, इसलिए आपको ये अलग से एग्जांपल करवा रहा हूं ताकि आप इन चीजों में ध्यान दो। फिर उसके बाद क्या होगा, इन दोनों को कंबाइन करवाएंगे एंड वी विल गेट अल्टीमेटली दिस, और एनर्जी यूज्ड इज यू द लैटिस एनर्जी।
बस फिर अकॉर्डिंग टू हैस लॉ डेल्टा एफ एच इज इक्वल टू एस प्लस आई ई टू प्लस डी प्लस टू ई ए प्लस यू, ये आ जाएगा इसके लिए। ये हर एक आयनिक कंपाउंड के लिए डिफरेंट होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड विल बी हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ दिस इक्वेशन जो हैस लॉ के बाद बनती है। वो क्यों? क्योंकि डिफरेंट आयनिक कंपाउंड में डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस लगते हैं इसलिए। ठीक है जी, ये ध्यान देना आपने। ऐसा इसके बाद बेटा अभी हम एक बहुत डिफरेंट सी चीज डिस्कस करेंगे, बॉर्नहेबर साइकिल की एक एप्लीकेशन है। देर इज एन एप्लीकेशन ऑफ बॉर्नहेबर साइकिल दैट बाय मेकिंग यूज ऑफ बॉर्नहेबर साइकिल बाय ड्रॉइंग बॉर्नहेबर साइकिल वी कैन कैलकुलेट प्रोटोन अफिनिटी ऑफ अ कंपाउंड। प्रोटोन अफिनिटी क्या होता है? अफिनिटी फॉर प्रोटोन। प्रोटोन क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन एच पॉजिटिव। तो किसी सब्सटेंस में या किसी आयन में एच पॉजिटिव ऐड किया और कितनी एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज कॉल्ड प्रोटोन अफिनिटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंबाइन्स विद अ प्रोटोन, जब वो प्रोटोन के साथ कंबाइन करा। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, मान लो कि वी हैव, जस्ट अज्यूम वी हैव एक्स नेगेटिव, ठीक है, इन गैशियस स्टेट, उसमें हमने प्रोटोन डाला एच पॉजिटिव इन गैशियस स्टेट, वी गॉट एच एक्स। और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग जो डेल्टा एच है उसको हम बोलेंगे प्रोटोन अफिनिटी और इट विल बी नेगेटिव, दिस विल बी द एनर्जी रिलीज्ड। प्रोटोन अफिनिटी इज यूजुअली नेगेटिव, समझो, ठीक है। जो एनर्जी चेंजेस होते हैं उसके लिए बेटा यूजुअली हम गैशियस स्टेट्स को ही कंसिडर करते हैं। आप कोई भी डेफिनेशन देख लो एंथैल्पी की, एंथैल्पी की डेफिनेशन में जो हमने सब्सटेंसेस लेने होते हैं उनको हम गैशियस स्टेट में ही कंसिडर करते हैं। इसलिए मैं ऑलमोस्ट हर एक में हम गैस को लिख रहे हैं, गैशियस स्टेट लिख रहे हैं, इसमें भी हमने गैशियस स्टेट लिखा। तो ये प्रोटोन अफिनिटी की डेफिनेशन है। अभी इस डेफिनेशन को ध्यान से समझो और हम बॉर्नहेबर साइकिल ड्रॉ करके किसी भी सब्सटेंस की कंपाउंड की प्रोटोन अफिनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट प्रोटोन अफिनिटी ऑफ अमोनिया। हमने अमोनिया गैस की प्रोटोन अफिनिटी को फाइंड आउट करना है और बॉर्नहेबर साइकिल कैसे ड्रॉ होगा। तो अमोनिया की प्रोटोन अफिनिटी के लिए कैसे, अमोनिया की प्रोटोन अफिनिटी किस रिएक्शन से पता चलेगी हमें? द रिएक्शन टू फाइंड प्रोटोन अफिनिटी ऑफ अमोनिया गैस इज NH3 गैस प्लस एच पॉजिटिव गैस गिविंग NH4 पॉजिटिव इवन इन गैशियस स्टेट इट विल बी। इस रिएक्शन में जो डेल्टा एच होगी वो होगी प्रोटोन अफिनिटी। मतलब अगर हमने अमोनिया की प्रोटोन अफिनिटी चेक करनी है तो इस रिएक्शन की डेल्टा एच चेक करनी पड़ेगी। डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज प्रोटोन अफिनिटी ऑफ अमोनिया। प्रोटोन अफिनिटी इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम अमोनिया की प्रोटोन अफिनिटी का नाम देंगे। तो इस रिएक्शन की डेल्टा एच हम डायरेक्टली तो चेक कर नहीं सकते, हमने अभी बॉर्नहेबर साइकिल ड्रॉ करना है। अमोनिया NH3 गैस की एच पॉजिटिव गैस के साथ रिएक्शन को कंसिडर करना हमने। ये रिएक्शन हमें चाहिए और ये रिएक्शन डायरेक्टली नहीं आती, एच पॉजिटिव गैस हमारे पास ऐसे नहीं आता। अकेला एच पॉजिटिव कभी मिला है हमें? कभी नहीं मिला। वी ऑलवेज हैव एच पॉजिटिव कंबाइंड विद सम एनायन। HCl गैस की हम बात कर सकते हैं। एच पॉजिटिव अलोन यू विल नेवर गेट, यू विल गेट एच पॉजिटिव कंबाइंड विद सम एनायन, सो दैट विल बी एसिडिक कंपाउंड, वो एसिडिक कंपाउंड। तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम NH3 गैस की रिएक्शन करवाएंगे HCl गैस के साथ और हमारे पास क्या बनेगा।
देखो HCl गैस में से H पॉजिटिव लेगा NH3, उसके पास जाएगा वो प्रोटोन अफिनिटी वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, वी विल गेट NH4 पॉजिटिव और बचा रहेगा Cl नेगेटिव, वो इसके साथ कंबाइन कर जाएगा NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट आयनिक कंपाउंड हमारे पास ये बनेगा। तो दिस रिएक्शन वी विल कंसिडर फॉर मेकिंग बॉर्न-हेबर साइकिल एंड देन टू फाइंड द प्रोटोन अफिनिटी फॉर अमोनिया, कि अमोनिया जब एच पॉजिटिव के साथ, सिर्फ एच पॉजिटिव के साथ कंबाइन करता है, उस प्रोसेस में जितनी एनर्जी चेंज करती है हमने उसको प्रोटोन अफिनिटी बोला, लेकिन वो अकेला प्रोसेस हम असेस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ये पूरी रिएक्शन कंसिडर करनी पड़ेगी। तो ये होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो इसमें एंथैल्पी डेल्टा एच चेंज करेगी बिकॉज 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज बीइंग फॉर्म्ड, दिस इज डेल्टा एफ एच, बॉर्न-हेबर साइकिल अब हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो होगा क्या, पहले एच सी एल विल ब्रेक इंटू एच एटम एंड सी एल एटम, डिसोसिएशन एंथैल्पी विल बी यूज्ड, देन एच गैस विल बी कन्वर्टेड इंटू एच पॉजिटिव गैस एंड सी एल गैस विल बी कन्वर्टेड इंटू सी एल नेगेटिव गैस। इसमें लगेगी आयोनाइजेशन एनर्जी आई ई और इसमें लगेगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ई ए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अमोनिया एज सच फॉरवर्ड हुआ, उसमें हमने कोई चेंज नहीं लिखा NH3 गैस, फिर उसके बाद क्या होगा, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो NH4 पॉजिटिव कैटायन बनेगा, फिर वो कैटायन Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करके ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बनाएगा। तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन पहले एंड वी गेट NH4 पॉजिटिव गैस, इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज हुई दैट इज एक्चुअली प्रोटोन अफिनिटी, देख लो यही रिएक्शन आ गई ना, दिस रिएक्शन वी हैव गॉट अल्टीमेटली ड्यूरिंग वन ऑफ दी स्टेप्स ऑफ दिस रिएक्शन, एक स्टेप है ये, दिस इज अ स्टेप नॉट अ कंप्लीट रिएक्शन। और सी एल नेगेटिव एज सच फॉरवर्ड हुआ, फिर इन दोनों को कंबाइन करवाया और अल्टीमेटली हमारे पास ये बना, और इस स्टेप की एनर्जी इज यू बिकॉज दिस इज कैटायन दिस इज एनायन एंड 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, सो ये लैटिस एनर्जी होगी। अब अगर हम हैस लॉ अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू हैस लॉ डेल्टा एफ एच इज इक्वल टू, ये सारी की सारी एनर्जीज को ऐड करेंगे, सबसे पहले डी, उसके बाद आई ई एंड ई ए, उसके बाद पी ए, उसके बाद यू। नाउ बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एफ एच डी आई ई एंड यू वी कैन फाइंड पी ए। ये जो प्रोटॉन अफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है बहुत ही ध्यान से समझना पड़ता है, कि प्रोटॉन अफिनिटी जिसकी हमने निकालनी होती है उसको हम एच पॉजिटिव गैस के साथ कंबाइन करवा के उस रिएक्ट पर्टिकुलर उस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को प्रोटॉन अफिनिटी बोलते हैं। लेकिन क्योंकि एच पॉजिटिव अकेला हमारे पास नहीं होता, एच पॉजिटिव इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ कंबाइंड स्टेट विद सम अदर एनायन, तो इसलिए हमें पूरा का पूरा वो कंपाउंड जो एसिडिक कंपाउंड होता है वो कंसिडर करना पड़ता है, और उस एसिडिक कंपाउंड की उस कंपाउंड के साथ कंप्लीट रिएक्शन लिखनी होती है जिसकी हमने प्रोटोन अफिनिटी फाइंड आउट करनी होती है। तो फिर उसके लिए हमें बॉर्न-हेबर साइकिल पूरा ड्रॉ करना पड़ता है, ताकि वी गेट वन स्टेप एज दैट रिएक्शन फॉर विच द डेल्टा एच इज प्रोटोन अफिनिटी, ताकि हमारे पास वो वाली रिएक्शन एक स्टेप के रूप में आ जाए जिस रिएक्शन की डेल्टा एच को पीए बोलना होता है हमने, ठीक है। ध्यान से इस बात को समझिए, दिस इज ऑल अबाउट द बॉर्न-हेबर साइकिल।